आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आवाज सैनी है और वर्बल मैथ पर आवाज सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पे डाला था और इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि दिखने में ये भी क्वेश्चन बहुत लेंदी है और काफी काफी सारा डेटा है, इसको इंटरप्रेट करना फिर सॉल्व करना काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही एक एलिगेंट अप्रोच से कराऊंगा, बहुत ही आराम से आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन समझा देता हूँ। ऋत्विक ने 25 आईपैड और आईफोन खरीदे, मतलब दोनों चीजें मिला के 25 है। क्या क्या चीजें खरीदी उसने? आईफोन और आईपैड, ठीक है, आईफोन लिए और आईपैड लिए। टोटल कितने लिए उसने? 25। और कितने रुपए के लिए उसने? 205000, ठीक है। उसने क्या किया? उसने बोला कि उसने 80% ऑफ आईपैड्स बेच दिए और 12 आईफोन बेच दिए, ठीक है। अभी तक हमें इस यहां तक सिर्फ इतना पता चला है कि टोटल 25 थे उसके पास, उसने 12 आईफोन्स बेचे और 80% ऑफ आईपैड्स बेच दिए, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट भी लिख लो कि प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 40,000 का, ठीक है। अब आगे कुछ डेटा दे रखा है कि उसने हर एक आईपैड को मार्क किया था 20% ओवर द कॉस्ट और आईफोन है उसने बहुत सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ इतना, मतलब उसके बारे में दे रखा है कि कैसे प्रॉफिट कमाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहां पे मेन डेटा शुरू होता है। उसने बोला था रिमेनिंग आईपैड्स, जो बचे हुए आईपैड्स हैं और 3 आईफोन्स। देखो, उसने 12 आईफोन बेचे और 3 आईफोन्स की बात में बात कर रहा है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 12 उसने बेचे थे, 3 नहीं बेच पाया, इसका मतलब टोटल आईफोन कितने थे? 15। दोनों मिला के कितनी चीज थी? 25। तो ये कितने हो गए? 10। जैसे ही आपने ये डेटा उठा लिया था, आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि आपने ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से इतना पता कर लिया कि मेरे 12 और 3 आईफोन कितने थे? टोटल 15। और आईपैड कितने थे? 10। तो टोटल कितने आ गए? 25, ठीक है। अब इसने बोला कि इसने 3, यहां पे इसने बोला कि 3 आईफोन नहीं बेच पाया और आगे कुछ दे रखा है, कुछ आईपैड नहीं बेच पाया, ठीक है। लेकिन इसने कितने आईपैड सेल करे थे वो दे दिया। उसने बोला 80% आईपैड उसने सेल कर दिए थे, 20% नहीं बेच पाया, यानी कि 2 नहीं बेच पाया। आप एक चीज बताओ, अगर 3 आईफोन नहीं बेच पाया, 2 आईपैड नहीं बेच पाया, ठीक है, तो इसका मैं निकाल सकता हूं, यानी कि टोटल 5 की वैल्यू निकाल सकता हूं, 5 यूनिट की। अगर मेरे पास टोटल 25 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी थी, 5 यूनिट की वैल्यू यहीं से निकाल दी आपने, के ये कितनी आ गई? 41। अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, 41,000। ये आपका जो चीज वो नहीं बेच पाया, ये आपका क्या था? लॉस था। एक बार बताओ, आपके पास अगर टोटल मेरे पास 25 यूनिट सामान है और मैं ये 5 यूनिट नहीं बेच पाया, स्टिल उसने प्रॉफिट कितना गेन कर लिया था? 40,000 का। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, फायदा हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाना था, बाकी डेटा की जरूरत ही नहीं थी। लॉस कितने का हो गया? 1,000। खत्म क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको सबसे पहले ये डिटेक्ट करना है कि जो 25 थे उनमें 15 आईफोन थे और 10 आईपैड थे। अब उसने बोला कि कितने नहीं बेच पाया, यानी कि 3 और 2, ये दोनों नहीं बेच पाया था। तो जो चीज नहीं बेच पाया उतना नुकसान हुआ ना उसको, ठीक है। और नुकसान कितने का हुआ? अगर मैंने निकाल दिया, अगर 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दिया, 41,000 का, बट स्टिल उसने बोला कि उसने ओवरऑल 40,000 का प्रॉफिट गेन कर लिया था। तो अगर मैं बात करूं नुकसान हुआ 41,000 का और प्रॉफिट उसने 40,000 का, तो अगर मैं होलसम देखूं तो होलसम लॉस हुआ उसको 1,000 रुपीज का। तो ऑप्शन बी आ सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच, बस इतना ही बताना था फिलहाल के लिए।